हे गाइस, पिछली बार जब मैंने पिक्सेल एक्सपीरियंस का रिव्यू किया था एंड्रॉइड 10 बेस्ड, तो उसमें मैंने कुछ इश्यूज बताए थे जो कि काफी भारी इश्यूज थे, क्योंकि भाई पोको F1 का प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि इसमें बग की गुंजाइश बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है। बट पिक्सेल एक्सपीरियंस के पिछले वाले एंड्रॉइड 10 ने और साथ साथ पिक्सेल एक्सपीरियंस के पाई वाले रोम ने भाई काफी ज्यादा बवाल कर दिया था कुछ बग्स को लेकर, तो इस अपडेट में उसे फिक्स किया गया जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ लेटेस्ट बिल्ड और इसके पहले ऑफिशियल हवा को इसका भी मैंने आपको रिव्यू प्रोवाइड कर दिया। आपने अगर वॉच नहीं किया है तो वॉच कर लेना, आपको पसंद आएगा और उसमें कुछ इशूज है जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे 5 नवंबर का आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है जो आपको ये देखने को मिल जाता है 10 का, और किर्नेल है जो यहाँ पे लुजियम का दिया गया है V4.2 पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस। ठीक है, उसके अगर इसके बिल्ड की बात करें तो बिल्ड आपको मिलता है 16 नवंबर का, जी हाँ 2019/11/16 का ये एक बिल्ड है एंड्रॉइड 10 का। यहाँ पे आते हैं आपको एंड्रॉइड 10 वाला मोस्ट वांटेड मोस्ट डिमांडिंग फीचर्स आपको यहाँ पे इनेबल मिलता है जो कि प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पे ओटी अपडेट का सेशन अभी तक नहीं देखने को मिला था, बट इस अपडेट में ओटी का सेशन एड कर दिया गया है, तो आप नेक्स्ट टाइम से एंड्रॉइड 10 का ओटी पैकेज यहाँ पे चेक कर पाओगे कि आपका अवेलेबल है या नहीं, और साथ साथ डाउनलोड कर पाओगे और अपडेट भी कर पाओगे। तो ये जो प्लस पॉइंट इस बिल्ड में आया है जो कि इसके पहले वाले में हमें देखने को नहीं मिलता था, डिजिटल वैल्यू बताता है आपने क्या क्या यूज किया है। फिंगरप्रिंट की अगर बात की जाए तो आपको फिंगरप्रिंट है जो वर्केबल मिल जाता है, फुल्ली यहाँ पे फिक्स्ड है, तो फिंगरप्रिंट में कोई भी इशू नहीं आया है। यहाँ पे हम अगर फेस अनलॉक के अंदर आते हैं स्मार्ट लॉकिंग में, तो यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का अभी तक ऑप्शन आया नहीं है, तो मे बी अनऑफिशियल वे से आ सकता है, बट ऑफिशियल वे से तो भाई कब का क्लोज कर दिया गया है, बट मुझे नहीं पता है कि आएगा या नहीं आएगा, वो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि ऑफिशियली एंड्रॉइड 10 की ओर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे आते हैं तो आपको मिल जाता है वही सारे ऑप्शन, एमआई साउंड इनहेंसर या ड्रिक साउंड का जो फैसिलिटी मिलता है वो नहीं है। बैटरी के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे 7 आवर से पहले मैंने फ्लैश किया था और सुबह से मॉर्निंग से मैं इसका हॉटस्पॉट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाला बिल्ड में प्रॉब्लम था हॉटस्पॉट का, वो बिल्कुल ही डेड था, यानी एरर प्रोवाइड करता था, तो यहाँ पे सबसे बड़ी इशू थी हॉटस्पॉट को लेकर, जो कि मैं जैसा कि मैंने कहा कि काफी स्टेबल था, मिरर से थोड़े बहुत एक दो बग दिखाई देते थे कभी कभी टच वगैरह के इशूज के, लेकिन हॉटस्पॉट का ये बिग बग था जो कि फिक्स्ड हो गया है। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसे आप खुद से कस्टम कर सकते हो कैसा रखना है कैसा नहीं, ये आप जो डिजाइन कर पाओगे, तो जो भी आपको अच्छा लगता है कलर्स वगैरह वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और खुद के पर्सनल एक थीम के रूप में क्रिएट कर सकते हो इसे और अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पे हम बैक की ओर चलते हैं तो आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन का डिस्प्ले, जहां पे आपको मिलता है एड फ्रॉम लॉक स्क्रीन और एडवांस के सारे फीचर्स मिलते हैं लाइक पिकअप हैंडवेंड पॉकेट, ये प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, मैंने हर एक को टेस्ट किया है तो कोई भी इशूज नहीं आया है। अब यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट ब्लूटूथ और सारे जियो के कॉलिंग भी यूज कर पाओगे, लेकिन जियो के कॉलिंग में एक चीज की इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है, वो है हमारा वीडियो कॉल, क्योंकि यहाँ पे अभी तक है जो हमारा वीडियो कॉल सपोर्ट नहीं आया है, लेकिन आप कॉलिंग करते हो तो आपको देखने को मिल जाता है ब्लैक स्क्रीन कुछ इस टाइप का। तो मैंने यहाँ पे जो कॉल किया तो मेरा स्क्रीन पे सिर्फ ऑडियो आ रही थी बट वीडियो शो नहीं हो रहा था, कुछ देर बाद ये डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, तो इसमें फिक्स होने का अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यहाँ पे ओवरऑल काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है कि वीडियो कॉल लग जाती है बट डिस्कनेक्ट हो जाती है और पिक्चर हमें दिखाई नहीं देता है। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट बिल्ड में हमें देखने को मिल जाएगा ये भी फिक्सेज। यहाँ पे जो आप अपने ऑडियो को टेक्स्ट में ट्रांसलेट कर सकते हो ये भी जो काफी हद तक फिक्स्ड हो गया है, बट ये अभी भी है जो यूएस लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है यानी काम करता है यूएस वाले पे, तो आपको जो लैंग्वेज है जो यूज करना पड़ेगा अपना यूज का इंग्लिश, तभी ये ट्रांसलेट कर पाएगा टेक्स्ट के रूप में। वहीं पर अगर इसके अनटूटू के स्कोर की बात की जाए यानी परफॉर्मेंस वाइज, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 289951 का, जो कि एक नॉर्मल सा मैं स्कोर कहूंगा, उतना हाइयर नहीं है बट नॉर्मल है, क्योंकि जो 8.0.2 का अपडेट आया है बेंचमार्क का ना, ये कुछ ज्यादा ही है जो स्कोर को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है और उसके हिसाब से ये कम है। अगर 7.2.2 के अनटूटू वाले पे हमें इतना स्कोर दिखाई देता तो वो परफेक्ट होता, बट यहाँ पे इसे कम से कम 3.2 का स्कोर चाहिए था, तो हल्का सा कम है, ज्यादा कम नहीं है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, यहाँ पे आप इसे इजिली रूट भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो, क्योंकि एंड्रॉइड 10 को कैसे रूट करना है मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया है, तो आपने वॉच नहीं किया है तो भाई वॉच कर लेना, आपको जरूर बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है रूट करने में तो। और रही बात इसके चेन लॉक की, इस बार चेन लॉक में क्या क्या ऐड किया गया है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो सबसे बड़ा बिग इशूज था इसका हॉटस्पॉट,
सिर्फ उसे ही फिक्स करके इसे री अपलोड किया गया है। जी हाँ, तो चेंज लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा हॉटस्पॉट फिक्स्ड और इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक और प्लस पॉइंट मैंने आपको दिखाया इसका अपडेटर का सेशन, जो कि पहले हमें दिखाई नहीं देता था, तब डायरेक्टली यहाँ से सिंपली ओटी अपडेट चेक कर पाओगे और यूज कर पाओगे, तो ये आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। अब चाहो तो आप इसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी भी माइग्रेट हमारा काम नहीं करता है, तो आपको टाइटेनियम बैकअप का यूज करना होगा अपने एप्स को रीस्टोर करने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी, छोटा सा इन्फो, क्योंकि इतना ज्यादा और कुछ आया नहीं है, लेकिन जो भी चीजें काफी स्टेबल किया गया है कुछ फीचर्स को फिक्स करके और नए ओटी अपडेट के सेशन को देकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो बस एक लाइक करें और हवो वाला वीडियो आपने नहीं वॉच किया तो उसे भी वॉच कर लें। और जल्दी एमआई रूम का अपडेट आने वाला है एंड्रॉइड 10 बेस्ड के ऊपर, तो उसका भी वीडियो आपको मिलने वाला है। बस उसके लिए आपको नोटिफिकेशन इनेबल करना है ताकि नेक्स्ट टाइम की वीडियो आपको मिल पाए ऑन टाइम और आप बेनिफिट ले पाओ राइट टाइम पे। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एमआई रूम का वीडियो दिया है जो कि मुझे काफी ज्यादा फुल्ली स्टेबल लगा और मैं अभी फिलहाल यूज कर रहा था, बट पिक्सेल एक्सपीरियंस के रिव्यू की वजह से मैंने उसे हटाया है, तो मुझे काफी ज्यादा मजा आया उसे भी यूज करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।